एक बार की बात है, बिजवासन गांव में एक स्कूल था और उस स्कूल में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट आरोही अचानक गायब हो जाती है, जिस वजह से स्कूल में हड़कंप मच जाता है। आरोही के पेरेंट्स प्रिंसिपल मैम को अपनी बेटी के गायब होने का इल्जाम दे रहे थे। देखो, आप इस तरह से हंगामा नहीं कर सकते, यह स्कूल है और आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि आपकी बेटी स्कूल से ही गायब हुई है? हो सकता है कि वो घर से स्कूल जाने को निकली हो और स्कूल आई ही ना हो। मेरी बेटी झूठी नहीं है, मेरी बेटी स्कूल से ही गायब हुई है। मुझे बताओ, आरोही कहाँ है? अगर मुझे मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं इस स्कूल को बंद करवा दूंगी। मेरी बच्ची आरोही, आरोही बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे सर से खून क्यों निकल रहा है और ये तुम्हारी यूनिफॉर्म क्यों फटी हुई है? आरोही बेटा, तुम कहाँ थी? हाँ हाँ आरोही, बताओ कि तुम 2 दिन से कहाँ गायब थी? प्रिंसिपल मैं तो हमेशा की तरह स्कूल ही आ रही थी कि तभी कुछ गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया और वो मुझे एक गोदाम में लेकर गए। मैं वहाँ से बहुत मुश्किलों से बचकर आई हूँ। हमें हमारी बेटी मिल गई और प्रिंसिपल मैम, हमने आपके साथ जो भी बदतमीजी की उसके लिए हम आपसे दिल से माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। प्रिंसिपल मैम आरोही के पेरेंट्स को माफ कर देती हैं क्योंकि वो समझ सकती थी कि एक बेटी के गायब होने की वजह से उन्हें कितनी ज्यादा तकलीफ हुई होगी। आरोही अपने पेरेंट्स के साथ डॉक्टर के पास जाती है और वो जब ठीक हो जाती है तो दोबारा से स्कूल आने लगती है। ऐसे ही एक दिन, आरोही दीदी, आप हमें कहाँ लेकर जा रही हैं? बस अभी तुम्हें पता चल ही जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो, चुपचाप चलते रहो। तुम्हें चॉकलेट खानी है ना, तो बस चुपचाप चलते रहो। कुछ समय बाद आरोही इस स्कूल के एक बहुत ही ज्यादा पुराने कमरे के पास जाकर रुक जाती है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा पुराना था और वो ऐसा लग रहा था जैसे सालों से बंद है और यहाँ कोई आया ना हो। बच्चे इतना ज्यादा पुराना कमरा देखकर थोड़े से डर जाते हैं और वो आरोही से कहते हैं, दीदी, ये आप हमें कहाँ लेकर आई है? स्कूल का कमरा 555। दीदी, यह दिखने में कितना ज्यादा डरावना लग रहा है, कितना ज्यादा पुराना है, लगता है सालों से यहाँ कोई आया नहीं। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई हैं? क्या हमें चॉकलेट यहाँ मिलेगी? दीदी, हमें चॉकलेट नहीं चाहिए। दीदी, हम वापस जा रहे हैं, हमें चॉकलेट नहीं खानी, हमें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। वो सभी स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों इस स्कूल की कमरा नंबर 555 के अंदर जाते हुए डर रहे थे, लेकिन आरोही उनकी एक नहीं सुनती और वो उन्हें उस कमरे के अंदर ले जाती है। कमरे के अंदर जाकर सभी बच्चे और भी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि दीवारें खून से सनी हुई थी और उसके बाद वहाँ पर डरावनी डरावनी आवाज आनी शुरू हो जाती है। जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। आरोही दीदी, ये आप हमें कहाँ लेकर आई है? यहाँ तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, यहाँ कौन हंस रहा है और यहाँ ये खून की दीवार क्यों सनी हुई है और यहाँ क्यों लिखा हुआ है कि आप अपने मौत के पास आई हैं? दीदी दीदी दीदी, हमें यहाँ से वापस जाना है, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें वापस जाना है, हमें वापस जाना है। खामोश, बिल्कुल खामोश, तुम्हारे मुंह से एक शब्द और नहीं निकलना चाहिए। अगर तुमने और पकपक की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए बिल्कुल खामोश। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ चॉकलेट खिलाने लेकर आई हूँ? नहीं नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारा खून पीने आई हूँ। आरोही इतना कहती है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। उसकी मुस्कुराहट थोड़ी अजीब थी और वो सभी बच्चों को घूर घूर कर देख रही थी, मानो जैसे वो कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि जैसे कोई चुड़ैल हो। आरोही को इस रूप में देखकर वो सभी बच्चे थर थर कांपने लगते हैं और कुछ समय बाद वो बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो सभी बच्चे अपनी क्लास में थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, वो
चल भी नहीं पा रहे थे और उन्हें बार बार चक्कर आ रहे थे। पता नहीं इन मासूम बच्चों को क्या हुआ है, पहले ये मुझे वॉशरूम के पास बेहोश मिले और अब इन्हें बार बार चक्कर आ रहे हैं। लगता है इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना ही पड़ेगा। सुनीता मैम उन सभी बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं। बच्चों को कुछ भी याद नहीं था कि वो कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे और उनके साथ क्या हुआ, वो सब कुछ पूरी तरह से भूल चुके थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आरोही एक दिन बेहोश हो जाती है। सुमन यह देखकर घबरा जाती है और कुछ समय बाद आरोही को होश आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। उसके चेहरे का रंग उतरा हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। तभी सुमन कहती है, आरोही तेरी तबीयत ठीक नहीं, कहाँ जा रही है? आरोही अभी तो तुझे चक्कर आ रहे थे और अब तू कहाँ भागे जा रही है? आरोही आरोही रुक दो। अरे यार तेरी तबीयत ठीक नहीं है, कहाँ भागे जा रही है? आरोही सुमन की एक नहीं सुनती और वो वॉशरूम में जाकर बंद हो जाती है और वहाँ जाकर लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेती है। मुझे खून की जरूरत है, मुझे खून चाहिए, मुझे खून चाहिए। अगर मुझे अभी खून नहीं मिला तो मैं वो सब कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगी। मेरी शक्तियाँ कमजोर पड़ रही हैं, मेरी शक्तियाँ कमजोर पड़ रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे खून चाहिए, मुझे खून चाहिए, खून चाहिए मुझे। तभी आरोही को कुछ स्टूडेंट्स की आवाज आती है और वो अपना लंबा हाथ करती है और उन दोनों स्टूडेंट्स को वॉशरूम में खींच लेती है और अपने सामने इतनी ज्यादा खतरनाक चुड़ैल को देखकर दोनों स्टूडेंट्स थर थर कांपने लगती हैं, उनकी चीख निकल जाती है। तभी आरोही उनका गला पकड़ लेती है ताकि उनकी आवाज बाहर ना जा सके। अगर ज्यादा चिल्लाने की कोशिश की तो अभी मार दूंगी। कौन हो तुम, कौन हो तुम, हमें छोड़ो, हमारा दम घुट रहा है, हमें छोड़ो। नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे खून की जरूरत है, मुझे खून चाहिए। और उसके बाद आरोही उन दोनों स्टूडेंट्स के साथ भी वही करती है जो उसने पहले किया था और वो दोनों भी बेहोश हो जाती हैं और आरोही उसके बाद वॉशरूम से बाहर निकलकर आ जाती है। कुछ समय बाद सुमन वॉशरूम में आती है और वो दोनों स्टूडेंट्स को बेहोश देखकर घबरा जाती है। यह दोनों स्टूडेंट्स यहाँ बेहोश, मैंने अभी आरोही को वॉशरूम से बाहर निकलते हुए देखा। कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़, मुझे पता लगाना होगा, लेकिन ये मैं अकेले नहीं कर सकती। अरे तुम दोनों को होश आ गया, तुम्हें क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ था? हमें तो कुछ भी याद नहीं। और धीरे धीरे उन बच्चों की भी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उनके साथ यहाँ क्या हुआ, किसने किया और वो यहाँ कैसे आई। उन दोनों को भी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है क्योंकि उनकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सुमन आरोही के ऊपर नजर रखने लगती है और एक दिन सुमन जो कुछ अपनी आँखों से देखती है वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह आरोही क्या कर रही है, इसने इस पक्षी को पकड़ा और खा लिया। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक था, आरोही कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि ये कोई चुड़ैल है। मुझे नैना के पास जाना होगा, मुझे पता चल चुका है आरोही नॉर्मल इंसान नहीं है। सुमन आरोही को एक पक्षी खाते हुए देख लेती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत नैना के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर नैना भी डर जाती है। और उसके बाद दोनों प्लान बनाती हैं कि अब वो आरोही के ऊपर नजर रखेंगी कि वो क्या करती है, कहाँ जाती है और किससे मिलती है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन आरोही क्लास से जल्दी से बाहर निकलकर जा रही थी और दोनों उसके पीछे पीछे जाने लगती हैं। सुमन आरोही इन बच्चों को अपने साथ कहाँ लेकर जा रही है, कहीं ये इन बच्चों को अपना शिकार ना बना ले, ये चुड़ैल है और ये कुछ भी कर सकती है, हमें इन बच्चों को बचाना होगा। नैना अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, अभी हमें आरोही के पीछे जाना होगा, हम नहीं जानते कि आरोही किससे मिली हुई है और ये सब क्यों कर रही है।
सुमन और नैना को आरोही के पीछे जाते हुए बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि आरोही कोई नॉर्मल इंसान नहीं। कुछ समय बाद आरोही उन सभी बच्चों को इस स्कूल के कमरा नंबर 555 में ले जाती है। स्कूल का कमरा 555, आज से पहले तो ये हमें कभी नजर नहीं आया। आरोही इन बच्चों को यहाँ क्यों लेकर आई है? नैना, हमें अंदर जाना चाहिए। अंदर जाएंगे तभी तो इस कमरे का और आरोही का सच पता चलेगा। सुमन, डर मत, कुछ नहीं होगा। हमें इस स्कूल के कमरा नंबर 555 के अंदर जाना ही होगा अगर हमें सच का पता लगाना है। अगर हम अंदर नहीं गए तो हमें कभी सच नहीं पता चल पाएगा। सुमन और नैना को कमरा नंबर 555 में जाते हुए बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन वो इस कमरे का और आरोही का सच जानना चाहती थी, इसलिए वो इस कमरे के अंदर चली जाती है। नैना, सामने देख, आरोही वो क्या कर रही है? उसने मोमबत्तियाँ क्यों जलाई? और ये सब बच्चे बेहोश क्यों पड़े हैं? अब आरोही इनके साथ क्या करने वाली है? आरोही मोमबत्तियां जलाकर बीच में खड़ी हो जाती है और उसके बाद आरोही के शरीर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल निकलकर आती है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। बेचारी स्टूडेंट, इसे तो पता भी नहीं कि इसके शरीर में कितनी ज्यादा खतरनाक चुड़ैल का वास है। बेचारी मेरे लिए मासूम बच्चों को लेकर आती है और मैं उनका खून पीती हूँ और अपनी शक्तियों को बढ़ाती हूँ। बस इसी तरह मुझे और बच्चों का खून पीना है और उसके बाद मेरी शक्तियाँ कई गुना हो जाएंगी और फिर मैं अपनी मौत का बदला आसानी से ले सकती हूँ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। इतने सालों से इस कमरे में जो कैदी थी उस सब का गिन गिन कर बदला लूंगी, छोड़ूंगी नहीं। ओह अच्छा, यह सब आरोही नहीं बल्कि आरोही के शरीर में यह चुड़ैल कर रही थी और यह अपनी मौत का बदला किससे लेना चाहती है? हमें कुछ करना होगा इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए। हमें इस कमरे से बाहर निकलना होगा। सुमन और नैना को सारा सच पता चल चुका था और वो बड़ी ही सावधानी से इस कमरे से बाहर निकलकर आ जाती हैं और वो सीधा प्रिंसिपल मैम के पास जाती हैं। और वो जैसे ही प्रिंसिपल मैम के सामने इस स्कूल के कमरा 555 का नाम लेती हैं तो वो डर जाती हैं। ये तुम दोनों क्या कह रही हो? इस स्कूल का कमरा 555, तुम दोनों वहाँ पर क्या करने गयी थी? आखिर तुम दोनों वहाँ करने क्या गयी थी? प्रिंसिपल मैम, आपको पता है हमने कमरा नंबर 555 में एक तस्वीर देखी जो दीवारों के चारों तरफ लगी हुई थी और उस पर खून बह रहा था और वहाँ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल थी और वो किसी से अपनी मौत का बदला लेना चाहती है, इसलिए वो अपनी शक्तियों को बढ़ा रही है और इस स्कूल के बच्चों का खून पी रही है और उसने आरोही के शरीर का इस्तेमाल किया है। प्रिंसिपल मैम, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो आजाद नहीं हो सकती। प्रिंसिपल मैम, आप जानती हैं वो कौन है? आखिर वो चुड़ैल किससे अपनी मौत का बदला लेना चाहती है? प्लीज हमें बताइए ना। यह बात बहुत पुरानी है। इस स्कूल को मेरे दादा और सुमित्रा के दादा ने मिलकर बनाया था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और इस स्कूल को एक साथ चलाते थे। सुमित्रा और मैंने इस स्कूल में पढ़ाई पूरी की और उसके बाद इस स्कूल में पढ़ाने लगे और एक दिन मेरे दादा और सुमित्रा के दादा की अचानक मृत्यु हो जाती है और उसके बाद सुमित्रा ने इस स्कूल पर कब्जा कर लिया और वो इस स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। लेकिन कुछ समय बाद सुमित्रा एक बाबा के संपर्क में आती है और वो काली शक्ति को बढ़ाने के लिए इस स्कूल के बच्चों को इस्तेमाल करने लगी और मुझे उसका सच पता चल चुका था। फिर क्या हुआ? जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसे डर था कि उसका सच सबको पता चल जाएगा और वो इस स्कूल के कमरा नंबर 555 में जाकर बंद हो जाती है और फिर पता नहीं कैसे उस कमरे में आग लग जाती है जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद कमरा नंबर 555 को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और वहाँ जो क्लास थी उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है और वहाँ जाने से सबको मना कर दिया गया था। लेकिन अब वो दोबारा से वापस आ गई है। मुझे लगता है अब उसे उसकी सही जगह पर पहुँचा देना चाहिए।
और उसके बाद प्रिंसिपल मैम एक बूढ़ी औरत को स्कूल में बुला लेती हैं। वो चुड़ैल अभी भी कमरा नंबर 555 में कुछ विधि कर रही थी, तभी वो बूढ़ी औरत उस कमरे के अंदर जाती है और उस चुड़ैल को अपने वश में कर लेती हैं। कावेरी कावेरी, तुझसे तो मैं अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी। तेरी वजह से मैं अपनी काली शक्तियों को बढ़ा नहीं सकी थी, तेरी वजह से मैंने इस दुनिया को छोड़ा, लेकिन अब मैं मरकर अपनी काली शक्तियों को बढ़ाऊंगी और जो कुछ मैं हासिल करना चाहती हूँ वो हासिल कर रहूंगी। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ नहीं। सुमित्रा, तेरा जो सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि कभी बुराई नहीं जीतती। अब समय आ गया है कि तुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। और उसके बाद वो बूढ़ी औरत कुछ विधि करती है और चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए मार देती है। आरोही को जब ये पता चलता है कि उसके शरीर में एक चुड़ैल थी तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो सबसे माफी मांगती है। प्रिंसिपल मैम दोबारा से इस स्कूल के कमरा नंबर 555 को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती है और बड़े बड़े अक्षरों में लिख देती है कि यहाँ आना मना है।